ये देखिए किस तरह पानी का नुकसान कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ तो तैयार हैं और ये काफ़ी कई साल का पानी जो है नुकसान कर दिए हैं और ये फिर से नलका गड़ाने के लिए तैयार है। भाई साहब समरसेबुल गड़ा रहा है, हमारे ग्राम प्रधान की देन है और अगल बगल का जो छोटा छोटा नलका है वो छोड़ दिया है और ये जो हमको मारे हैं इनका भी एक गड़ा है, पर्सनल आदमी उनके हैं और भी पर्सनल बहुत लोग हैं जिसके गड्ढा है तैयार हो गया है और भाभी जी हैं इनका भी नलका छोड़ दिया है। हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, आगे चल के दिखाएंगे कम से कम ऐसे हमारा भी छोड़ दिया है। जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है। कैसे आओ, किसके घर से पानी आ रहा है चाचा जी? और फिर एक जगह पर वहाँ है तीसरा जगह, वो देखिए एक बस यहाँ पर, वहाँ पर एक समस्या भी गड़ा है और एक यहाँ पर गड़ा है और एक यहाँ पर इस घर मुश्किल से 20-20 मीटर दूरी पर समरसेबुल गड़ा है, जबकि सरकारी योजना है जो सरकारी मशीन गड़ाना चाहिए और हमारा ग्राम प्रधान की देन है कि वो समरसेबुल दे रहे हैं सबको। जरूरत है इस मशीन की और ये बिगड़ी, इसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब प्रणाम। ग्राम प्रधान के हमारे डॉक्टर साहब देन है कि ऐसी ऐसी मशीन सब बिगड़ी हुई है और अगर बगल की 4-5 छोटी छोटी मशीनें जो है वो सब डाउन हो जाए, मतलब कोई पानी ही नहीं दे रही। बताइए वो अपना पानी कहाँ से लेकर आएगा भाई साहब पीने के लिए? नहीं चल रही, देखिए नहीं चल रही है, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिए और इसकी कोई गारंटी नहीं, नहीं इनको नहीं मिल सकता है। इनको जब आवश्यकता है इनको पानी नहीं पीना है या किसी दूसरे के मशीन पर जाएंगे पानी लेने, या बताइए उस छोटे छोटे जो इतना समरसेबुल गड़ा रहा है, जबकि सरकारी काम का होता है कि मतलब कि सरकारी चीज़ जो मशीन होती है वो किसी चीज़ को दिया जाए वो पूरा सार्वजनिक कोई भी जनता पी सके, जबकि वो घर घर दिया जा रहा है। बताइए गलत काम है ना। हमारे ग्राम प्रधान जल स्तर जो 2% पानी पीना योग्य है, जबकि जल इतना ज़्यादा सब नुकसान कर रहे हैं लोग हैं और ये पानी इस तरह देखिए नाला में जा रहा है, पूरा जो गढ़ई हमारी जो गड्ढा है ये भर चुका है। बताइए साल भर का पानी हमारे गांव का साल भर का पानी पीना योग्य जो है वो पूरा खराब हो चुका है। हाँ ये तीसरी मशीन हमारे गांव की है जो हमारे ग्राम प्रधान की देन है भाई कि गांव में कम से कम 10-10 मीटर तक समरसेबुल दे रहे हैं और ये दूर दूर से लोग पानी ढोकर ला रहे हैं। ये देखिए ये बाल्टी से दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं और अपना काम करने के लिए जानवरों को पिलाने के लिए किसी दूसरे घर जा रहे हैं पानी लेने के लिए। तो हम अभी दिखा रहे हैं, अभी कम से कम हमारे गांव में 10 ऐसी मशीन जो हैं छोटी छोटी जो छोड़ चुकी हैं पानी और इतने ज़्यादा समरसेबुल गड़ा रहा है। अभी हम आगे और आप लोगों को दिखा रहे हैं और आगे भी चलकर हम दिखा रहे हैं किस तरह पानी का शासन हो रहा है अभी से, जो कि ग्राम पानी पीना इतना योग्य भाई 2% पानी पीना योग्य है। हमारा ग्राम नाजीपुर सरिया का यह हाल है अभी से, इतना ग्राम प्रधान शिक्षित होकर वह शिक्षित वाला काम कर रहे हैं। और देखिए छठवां मशीन, अरे अभी छोड़ दिए कुछ नहीं और इनके जानवर जो है ये पानी बहुत दूर से ला रहे हैं ढोकर। भाई जी कहाँ गए, पानी कहाँ से ला रही हैं? बहुत दूर से पानी लिया होती ला। हाँ बताइए अरे कहाँ से अपने जानवर पानी पिलाएं? अगले बगल में यहाँ मशीन देते ना। हाँ तो ये ठीक है, हम ग्राम प्रधान से अपने निवेदन करते हैं कि भाई जल्द से जल्द कुछ सुनवाई की जाए, नहीं तो अन्यथा हम जल निगम वाले को भी कंप्लेन कर देंगे।